जय हिंद, मैं अभय सिंह तेवतिया और आज की वीडियो में स्पेशली बात करेंगे कि तेज किस तरह दौड़े। हर रनर का सपना है कि वो तेज दौड़े, चाहे वो कोई सा भी इवेंट हो, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या 1600 मीटर। ठीक है, सब 1600 मीटर के ज़्यादा अगर आर्मी वाले बंदे हैं तो मेरे चैनल पे, तो 1600 मीटर वो फास्ट करना चाहते हैं, चाहे वो लास्ट एंडिंग हो स्टार्टिंग हो, वो चाहते हैं कि भाई हमारी रनिंग काफ़ी फास्ट हो। तो इस वीडियो में 5 स्टेप बताऊंगा जो काफ़ी इंप्रूवमेंट देगी आपकी रनिंग स्टेप बनाने में और आपको फास्ट भगने में। सिर्फ 1 वीक यूज़ करें, 1 वीक में आप रिजल्ट देख लेना और फिर उसे कंटिन्यू उस चीज़ को यूज़ करना, गारंटी आप काफ़ी अच्छे धावक बन जाओगे और काफ़ी आपकी स्पीड बन जाएगी। तो बात करते हैं कौन कौन से स्टेप हैं, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में इतना ही कहूँगा कि इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। इस वीडियो में एक टिप भी बताऊँगा, अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देते हो और वो टिप काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी और वो हर दिन आपको यूज़ करनी है। ठीक है, यूज़ करोगे तो आपकी काफ़ी स्टेमिना बन जाएगा, स्टेमिना के ऊपर है वो टिप। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहे। तो सबसे पहला जो स्टेप 1 है वो हमारे यही है कि वार्म अप काफ़ी ज़रूरी है। सबको पता है वार्म अप काफ़ी ज़रूरी है पर वो करते नहीं है। ठीक है, वार्म अप करना काफ़ी ज़रूरी है, आप उसमें भगे नहीं। वार्म अप का मतलब बिल्कुल ईजी रनिंग। जो लोग गलती कर जाते हैं वो क्या करते हैं, वो काफ़ी तेज़ रनिंग करने लग जाते हैं, वो उसे वार्म अप समझने लग जाते हैं। वार्म अप का मतलब काफ़ी स्लो रनिंग, बिल्कुल ईजी कि आप हल्का फुल्का शरीर गर्म करें, ये नहीं काफ़ी तेज़। ठीक है, वार्म अप करने के काफ़ी फायदे हैं। वार्म अप करने से आपको बॉडी इंजरी नहीं होती, कोई भी पेन नहीं होता। अगर आप वार्म अप करते रहते हो तो इन फ्यूचर अगर कोई पेन होता भी है तो वो जल्दी रिलैक्स हो जाता है, जल्दी खत्म हो जाता है, ना कि वो ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अगर वार्म अप नहीं करोगे, डायरेक्ट वर्कआउट करोगे, डायरेक्ट एक्सरसाइज करोगे अपने, तो काफ़ी प्रॉब्लम झेल सकते हो आप। ठीक है, तो वार्म अप करनी काफ़ी ज़रूरी है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे स्टेप की। वो दूसरे स्टेप जो हमारा है वो हमारा बॉडी पोस्चर। अगर आप रनिंग करते हो तो आपका बॉडी पोस्चर काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपकी हैंड मूवमेंट बेकार चलती है, लेग स्टेप जो है काफ़ी ख़राब है, तो आप रनिंग नहीं कर पाओगे। मैंने बहुत देखे हैं वो गर्दन हिलाते रहते हैं, हैंडों को टेढ़े मेढ़े चलाते रहते हैं, लेग बिल्कुल छोटे छोटे रखते हैं। ठीक है, स्टेपिंग छोटे छोटे रखते हैं, फिर कहते हैं कि तेज़ नहीं दौड़ा जाता। तो आप तेज़ कैसे दौड़ोगे जब आप छोटे छोटे कदम रखोगे? तो अब इसे इम्प्रूव कैसे करना है, सबसे पहली बात आपकी हैंड मूवमेंट काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। आपकी हैंड ऐसे चलने चाहिए जैसे बिल्कुल एक लाइन में एक प्रकार से, और साथ साथ आपकी जो नेक है वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, नेक जो है बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, और आप एक जैसे सामने बिल्कुल जो नज़र है ना, मुश्किल से 5 मीटर के दायरे में रखना है। आपको लेफ्ट राइट नहीं देखना, आपको सिर्फ 5 मीटर के दायरे में रखना है। नीचे की साइड आपको लेफ्ट राइट नहीं देखना, ज़्यादा लेफ्ट राइट रखोगे आपका ध्यान भटकेगा। ठीक है, तेज़ स्पीड लानी है तो। और दूसरी चीज़ जो आपकी अब बात आती है हिप के ऊपर, आपकी जो लेग मूवमेंट है वो एक लाइन में चलनी चाहिए, एक साइकिल के प्रकार में चलनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल ऐसे आपकी मूवमेंट होनी चाहिए इस तरह से। ठीक है, ना कि बिल्कुल छोटे छोटे कदम। और ये लेग ओपन जब भी होंगे, जब अच्छे से एक्सरसाइज करोगे, अच्छे से स्ट्रेचिंग करोगे, तो ये काफ़ी करनी ज़रूरी होती है हर रनर के लिए। ये हो गए हमारे स्टेप 2। अब बात करते हैं स्टेप 3, जो कि काफ़ी ज़रूरी है, वो है हमारी एक्सरसाइज। और ये एक्सरसाइज कौन सी है, वो है हमारे लेग के लिए। अगर आपकी लेग काफ़ी मजबूत हैं और आपका वेट ठीक है, आपका ज़्यादा हैवी वेट नहीं है और लेग आपके काफ़ी मजबूत हैं, तो आप गारंटी काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगी। आपसे कहूँगा कि आप रोज़ डेली पुशअप मारें और स्क्वैट मारें। अगर आप डेली 50-50 100-100 स्क्वैट मारेंगे और 40-40 पुशअप भी मारेंगे, तो आप गारंटी आपके जो बॉडी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगी और साथ साथ आप रनिंग भी अच्छे से कर पाओगे। जब आपके हैंड अच्छे से स्ट्रॉन्ग होगी, जब आप हैंड मूवमेंट कर पाओगे। और बहुतों के ये भी कमेंट होते हैं कि मेरे लेग बढ़ जाते हैं, हैंड बढ़ जाते हैं, तो यही एक चीज़ है, आप पुशअप्स और स्क्वैट डेली मारो। ठीक है, छोड़ो मत एक दिन भी, डेली करो एक टाइम करना पर। ठीक है, और हमारा चौथा स्टेप जो है वो हमारा जाता है स्ट्राइड के ऊपर। आपको पता होगा स्ट्राइड क्या चीज़ है, अगर नहीं पता तो बता देता हूँ। स्ट्राइड एक प्रकार से एक फास्ट रेस होती है, पूरे 100% उसमें देना होता है, और ये 50 मीटर या 100 मीटर तक होती है। मैं यूज़ करता हूँ 50 मीटर। अगर आप 1600 मीटर के धावक हो तो आप 100 मीटर या 80 मीटर यूज़ करें, उसमें आपको पूरी पावर के साथ स्ट्राइड मारनी है। और जो स्ट्राइड होती है उसमें पूरी हैंड मूवमेंट और लेग मूवमेंट काफ़ी अच्छे से चलानी है। अगर आप इसे यूज़ करोगे तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा आपकी बॉडी के लिए भी और स्पीड बढ़ाने के लिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये स्टेप 4, ध्यान रखना। अब बात करते हैं स्टेप 5, जो हमारा काफ़ी मेन माना जाता है, और ये स्टेप 5 है हमारा डाइट। डाइट ऐसी लेनी है जो आपको इम्प्रूवमेंट दे। सबसे पहले वर्कआउट होने के बाद, पहले मैं वर्कआउट से पहले बता देता हूँ, वर्कआउट से पहले आपको कुछ ड्रिंक का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वर्कआउट से पहले आप ग्लूकोज पीते हैं तो वो भी अच्छा रहता है। और 1 घंटे पहले आप क्या कर सकते हैं, दही और आलू को स्मैश करके मिक्स करके उसे खा सकते हैं, वो काफ़ी एनर्जी देता है। और 1 घंटे पहले खाना है पर उसे, ठीक है, और 1/2 घंटे बाद आप 1-2 केला खा सकते हैं। फिर उसके बाद वर्कआउट होने के बाद, वार्म अप सब कुछ करने के बाद, जब आप रिलैक्स करते हो उसके 5 मिनट बाद और 20 मिनट पहले, मतलब वर्कआउट के 5 मिनट बाद और 20 मिनट पहले आपको चने और दाल खानी है।
मूंग की दाल आती है पूरी बड़ी वाली आती है, ठीक है, हाफ वाली नहीं लेनी जो आप जिससे दाल बनाते हो, ठीक है, टूटी वाली नहीं लेनी, बिल्कुल साबुत लेनी है, साबुत दाल बोलते हैं उसे, साबुत दाल और चने खाने हैं। इससे आपका स्टेमिना बढ़ेगा, अगर आपका स्टेमिना होगा तो आप काफ़ी अच्छे से तेज़ रनिंग कर सकते हो, आप रुकोगे नहीं नॉन स्टॉप। और इसमें ही एक चीज़ मैं टिप बताऊंगा आपके लिए, ये टिप वो है कि सांस किस तरह लेना चाहिए और छोड़ना चाहिए। बहुत ही कमेंट करते हैं सांस किस तरह लें और छोड़ें, सब यही कहते हैं कि नाक से सांस लो मुंह से छोड़ो, जो काफ़ी गलत है। ये पार्ट हमारे एक ही तरफ जुड़े होते हैं, आपको भी पता होगा अगर आपने साइंस पढ़ी है तो, ये एक ही पार्ट यहाँ जाके जुड़ जाते हैं, ठीक है, और इससे मुंह से सांस लोगे ना तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मुंह से सांस लेने से ज़्यादा ऑक्सीजन आएगी। आप जब रनिंग करते हो तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, अगर आप नाक से सांस लोगे तो ऑक्सीजन की मात्रा और ज़्यादा कम होने लगेगी, क्योंकि नाक से बहुत कम ऑक्सीजन जाएगी और मुंह से लोगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी। तो मुंह से सांस लो, गारंटी फ़ायदा रहेगा। जो आप कहते पेट में दर्द होता है मुंह से सांस के, क्योंकि वो इसलिए होता है क्योंकि आप ऑलरेडी नाक से यूज़ करते हो, एक बार मुंह से यूज़ करने लगो एक डेढ़ वन वीक या टू वीक के बाद गारंटी बहुत जल्दी जो इस आपका सांस में पेट में दर्द होता है वो भी ठीक हो जाएगा। ये हमारी टिप थी, ठीक है, जो मैंने बोला था वीडियो के अंदर कि टिप बताऊंगा, ये हमारी टिप थी। अगर इन 5 स्टेप को आप फॉलो करो तो गारंटी आपका काफ़ी इंप्रूवमेंट हो जाएगा, आप काफ़ी अच्छे से रनिंग कर सकते हो, तेज़ भाग सकते हो, जो काफ़ी फायदे रहेंगे। और इन्हें एक वीक यूज़ करके देखो, अगर इंप्रूवमेंट आता है तो गारंटी आप, वैसे तो आएगा इंप्रूवमेंट, पर अगर आता है आपका तो और आगे यूज़ करते रहना कंटिन्यू, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना वीडियो कैसे लगी, चैनल सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल पे, स्पोर्ट्स फिटनेस आर्मी वाली वीडियोस आती रहती है ऐसी, ठीक है, और लाइक कर देना इस वीडियो को। बस इस वीडियो में मिलते हैं, इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।